Praise the Lord, highest praise church family. We are so glad to come into your rooms once again this Tuesday evening. जैसे मैंने कहा था कि ये हफ्ते में अभी से हम लोग सिर्फ ट्यूजडे मंगलवार और थर्सडे को ही हमारा डिवोशन होगा. बाइबल में डिवोशन कम हुआ इसलिए नहीं है, बट वी आर फेसिंग लॉट ऑफ टेक्निकल का थोड़ा चैलेंजेस हो रहा था. दैट इज वाई वी थॉट दैट कुछ दिनों के लिए अभी हम लोग सिर्फ ट्यूजडे एंड थर्सडे को करेंगे. बट वी आर सो ग्लैड कि आज आपके साथ फिर से इस 30 मिनट्स ऑफ डिवोशन के साथ आ पाए. और आज फिर से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है हमारा सिस्टर संजना. संजना सर को आप लोग सब जानते हैं, उनको कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं हमारे कलीसिया में. बट इफ देयर इज एनीबॉडी हु इज वॉचिंग अस, अगर कोई है जो हमें पहली बार देख रहे हैं, संजना सिस्टर हमारे बिल्डिंग का वन ऑफ आर लीडर्स है. शी इज टेकिंग केयर ऑफ द एस्टर्स, हमारा जो लेडीज मिनिस्ट्री में शी इज वन ऑफ द लीडर्स, प्रेयर वॉरियर है. शी इज अ मदर ऑफ थ्री, शी इज अ क्या बोलते हैं, शी इज अ ग्रैंड मदर ऑल्सो, ग्रैंड मदर ऑफ टू, दो छोटे बच्चों का ग्रैंड मदर भी है. एंड अबव ऑल, इससे सबसे बड़ा मैं जितना उनको पहचानता, शी इज अ लेडी ऑफ फेथ, बहुत विश्वास का एक बहन है और हमारे बिल्डिंग में रहते हैं. इसके लिए हमने कोई वो किधर से दूर से दिया है, हम लोग सब एक साथ हैं. दैट इज वाई आई थॉट आज शाम का जो हमारा डिवोशन में हम लोग एक साथ हम कुछ वचनों को आपके सामने रखेंगे, हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस. एंड आई एम श्योर आप लोग जिन्हें पता है संजना सिस्टर के जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें हमसे आज शेयर करेंगे, सो दैट इट विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हालेलुया. संडे के दिन हम हर एक ने एक साथ हमने रिजरेक्शन संडे का आराधना का मौका मिला. परमेश्वर, वी ऑल वर्शिप गॉड टुगेदर एंड इट वाज नाइस टू सी एवरीबॉडी ऑन जूम आल्सो. उस दिन शाम को जूम में भी कई लोगों को हमने देखा, कई लोगों को मिस किया, लेकिन जिनको भी देखा बहुत अच्छा लगा, मन भर गया. बोले कि प्रभु, ऐसा सिर्फ 21 डेज हुआ लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत महीनों के बाद सबको मिल रहा है. सो दैट वाज नाइस. हम लोग फिर से जूम करेंगे वेरी सून सो दैट वी कैन मीट यू ऑल एंड वी थैंक गॉड फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन ओवर ऑल आवर लाइव्स. हालेलुया. आज जो टॉपिक आज मेरे मन में जो आया, जो मैंने संदर्भ से शेयर भी किया, दैट इज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें शांति देता है और हमें कंफर्ट करते हैं. कंफर्ट में हिंदी में सांत्वना देने वाला परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब तक इस दुनिया में हैं हमें इसकी जरूरत है. वी नीड पीस एंड वी नीड सांत्वना. क्योंकि एक वचन मैं लूंगा जॉन चैप्टर 16, योहन्ना का किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 33 वर्स. वहां पर आपके पास अगर बाइबल है तो आप ले लीजिए. इट्स अ वेरी कॉमन वर्स, हम लोग हर बार बोलने वाला वचन है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल. सबको मिला हो 16:33. यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का ऑलमोस्ट एंड है. इतने दिनों तक उन लोग बहुत खुशी खुशी चल रहे थे, डिसाइपल सब अच्छे मौके में थे, लेकिन यीशु मसीह ने डेथ से कुछ दिन पहले या फिर उन्होंने कुछ क्षण पहले अपने डिसाइपल्स को कहता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, या फिर मेरा मिनिस्ट्री अभी खत्म होने वाला है, मुझे पकड़ा जाएगा, ये सब कई चीजें कहता. तो तब तक क्या हो गया, डिसाइपल्स का मन पूरी तरह से बैग गया. उन्होंने यार ये क्या बोल रहा है, वी नेवर न्यू दिस. यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, मिरेकल्स हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब लोग घर पे बुला रहे, खाना हो रहा है, एकदम सेलिब्रेशन था. ऑल ऑफ अ सडन नाउ जीसस हैज टर्न्ड शिफ्टेड एवरीथिंग एंड ही सेइंग, नाउ आई वांट टू टेल यू ऑल कि ये दुनिया में तुम्हें ट्रबल्स, क्लेश होंगे. हालेलुया. हमने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक लॉकडाउन या फिर ऐसा एक कोरोना वायरस का क्लेश दुनिया में कभी आएंगे या फिर हमारे जिंदगी में आएंगे, लेकिन वचन कहता है सबों को क्लेश है. हालेलुया. आई डोंट नो इफ देयर्स एनीबॉडी, परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को इस क्लेश में से बाहर रखा है. नो. हम शायद विश्वासी हो, अविश्वासी हो, हम अमीर हो, गरीब हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल सेज इन दिस वर्ल्ड देयर इज ट्रबल फॉर एवरीबॉडी. हालेलुया. लेकिन एक अच्छा बात है कि परमेश्वर वहां पर फुल स्टॉप नहीं डालता. परमेश्वर कहता है लेकिन बी एट पीस. वो वचन हिंदी में मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले या संसार में तुम्हें क्लेश होता है, करेक्ट, परंतु डाड़स मान दो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, यीशु मसीह वहां पर फुल स्टॉप नहीं करता, वो कहता है कि मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ ताकि तुम मुझ में शांति मिले, शांति मिले, मुझ में तुम्हें शांति मिले, और कहता है कि तुम डाड़स बांधो या फिर यू बी स्ट्रॉन्ग। जितना भी ट्रबल्स आए, जितना भी क्लेश आए, जितना भी क्राइसिस आए, परमेश्वर अपने बच्चों से यही चाहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया, यही जो वचन के आधार पर आज हम लोग कुछ चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मैं जॉन मैक्सवेल बोल के एक व्यक्ति है, जॉन मैक्सवेल बहुत बड़ा एक प्रचारक है, इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो उन्होंने ऐसा उनका एक, कोई तो एक बुक में ही सेड कि हमारे जिंदगी में जब ये क्लेश आते, एक विश्वासी की जिंदगी में जब ट्रबल्स आते, तकलीफें आती है, उसमें से चार चीजें हमें पता चलता है। पहला है, इट शोज अस द नेचर ऑफ आवर फेथ, हमारा जो विश्वास का लेवल कितना विश्वास है, ये कब पता चलता है? बुरे समय। अच्छे समय में कोई विश्वास की जरूरत नहीं है, जब घर के अंदर सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, हमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं है, वी आर ऑल सो हैप्पी। लेकिन जब हम क्लेश में है तब पता चलेगा मेरा हालेलुया में कितना दम था, मेरा स्तुति में कितना दम था, मेरा प्रेज लॉर्ड बोलने में कितना दम था। कब पता चलेगा? जब मैं क्लेश में हूं। अभी 21-25 दिन से हम सब घर के अंदर है, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारा हालेलुया कम नहीं हुआ है। हमारा हालेलुया, हमारा स्तुति, हमारा परमेश्वर में जो विश्वास है वो कम नहीं हुआ है। मेरा, मैं ये जानता हूँ कि हमारा विश्वास प्रभु में सिर्फ बड़ा है और बढ़ना ही चाहिए। सो जॉन मैक्सवेल सेज, फर्स्ट इट रिवील्स द नेचर ऑफ आवर फेथ, देन इट सेज इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कमिटमेंट, हमारा जो समर्पण परमेश्वर में है वो पता चलता है हमारे क्लेश के समय। अच्छे समय में परमेश्वर की सेवकाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे समय में स्तुति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे समय में प्रभु के पास बैठने में, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग थ्रू स्टॉर्म्स, क्राइसिस, चैलेंजेस, डिफिकल्टी, घर में जब लॉस हो जाए, बड़े बड़े तकलीफें जब हमारे घरों में आए, क्या तब भी हम कमिटेड रहेंगे परमेश्वर में? गॉड इज लुकिंग एट दैट। या हमारे जिंदगी में जब तकलीफें आती है, पहला विश्वास को परमेश्वर जागता है, और दूसरा है कि देखता है कि हमारा कमिटमेंट कितना है परमेश्वर। कमिटमेंट हिंदी में कितना? निर्भर, निर्भर, निर्भर परमेश्वर में कितना डिपेंड है हम, कितना हम उसमें कमिटेड है कि नहीं प्रभु, जैसा आयुब ने कहा, चाहे मेरा जान निकल जाए लेकिन मैं मेरा परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। वो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट हमारे अंदर होना जरूरी है। तीसरा, John Maxwell says, it will reveal your maturity in God. आप कितना परिपक्वता, कितना आप मैच्योर हो गए हो, ये पता चलता है जब हम स्टॉर्म्स में या फिर ट्रबल में जाए। देखो अभी डिसाइपल्स को अगर आप देखोगे, परमेश्वर के चेले, अभी तक तो उनको देखे तो ऐसा लगता था कि यीशु मसीह जैसे ही हो, वैसे ही वस्त्र पहनते थे, वैसे ही घूमते थे, एकदम दाड़स में उन लोग घूमते थे। लेकिन जब तकलीफें आई, जब प्रॉब्लम आए, यीशु मसीह को पकड़ कर लेके गए, सबों का हवा निकल गया, एवरीबडी रैन अवे। बाइबल सेज हर एक व्यक्ति, किसी ने भी, इवन पत्रुस के बारे में हम पढ़ते, पत्रुस ने 3 बार परमेश्वर को त्याग भी दिया। समर्पण, हम लोग कितना मैच्योर्ड है, हम कितना परिपक्वता में है, हमें पता चलता है जब हम इस तकलीफ के बीच में से जाएंगे। और चौथा चीज वो कहते हैं कि व्हाट इज आवर टेक अवे, हम जब एक तकलीफ में है तो इसमें से हमने क्या सीखा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में, इन दिनों में मैं जितने भी लोगों को फोन करता हूँ तो बोलते हैं पास्टर हमने ये सीख लिया। कई कई भाई मुझे कहते कि मैंने कुकिंग सीख लिया, कोई बोलते कि मैंने क्लीनिंग करना सीख लिया, कोई कहते कि हम एक दूसरे के साथ, परिवार में एक दूसरे के साथ खुशी में रहने के लिए हमने अभी सीखा। क्योंकि पहला कैसा था, कुछ भी हो जाता थी बीवी बोलती थी मैं मायके जाऊंगी। अभी मायके भी नहीं जा सकता, हम लोग सब घर के अंदर, यानी वो डायलॉग सब अभी खत्म हो गया, अभी सब लोग घर के अंदर खुशी खुशी शांति से रह रहे। बहुत सारे चीज हम इन दिनों में सीख रहे, सीखो। सीखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। यानी हमारे क्लेश के समय में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें से कुछ
सीखे. हालेलुया. दीज आर थिंग्स अबाउट ट्रबल्स. हमारे जिंदगी में जब तकलीफें आती है, हमारा विश्वास में हमें और स्थिर रहना बहुत जरूरी है. प्रिय भाइयों बहनों, आप जो भी मुझे देख रहे हो, डोंट लिव अ लाइफ इन गॉड ओनली व्हेन थिंग्स आर गुड. हम सिर्फ अच्छे समय में है. और मैं कभी भी लोग जब प्रभु में आते हैं, उनसे कहते हैं कभी सोचो नहीं कि परमेश्वर में आने के बाद आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा. दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. अगर किसी ने आपसे ऐसा प्रचार किया है तो वो गलत प्रचार किया है. वचन कहता है कि तुम्हारे जिंदगी में क्लेश होंगे, लेकिन एक ही अच्छी चीज है, उस क्लेश में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और वो हमें आगे ले जाएंगे. हालेलुया. अब मैं संजय सर से पूछूंगा, क्योंकि संजय सर को मैं अभी कितना साल से पहचान, हम लोग गोरेगांव में आए थे 10-12 ऑलमोस्ट 14 years, 14 साल से हम लोग पर्सनली जानते. उससे पहले मैंने कई मीटिंग्स में देखा है, लेकिन पर्सनली इस परिवार के साथ में जुड़ा ऑलमोस्ट 14 साल से. और इस 14 साल में आई हैव सीन, उनके जिंदगी को मैंने देखा है, इतने सारे तकलीफ, इतने सारे क्लेश एक के बाद आए, लेकिन उन सारे क्लेशों में मैंने सिर्फ उनको वचन में बढ़ते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए ही मैंने देखा है. और उसमें सबसे बड़ा एक उनका जिंदगी में सबसे बड़ा एक ट्रबल या फिर एक प्रॉब्लम या फिर मैं बोलूंगा एक 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 शॉकिंग टाइम था, वो है अक्टूबर 16, 2018. उस साल में हम लोग जानते, कलीसिया के लोग जानते हैं, वो साल में अक्टूबर 16 के शाम रात के समय हमारा कुमार अंकल या फिर संजय सर का हस्बैंड का ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक में उनका ध्यान दो, ही वेंट टू बी विद द लॉर्ड. वो परमेश्वर के पास गए. तो उस समय में जब मैंने सिस्टर को देखा, ऑनेस्टली मुझे भी लगा कि प्रभु हाउ विल शी मैनेज इट, क्योंकि मैंने इनको हर वक्त साथ में देखा है. मैंने देखा कि कैसा उनका लाइफ रहा है उतने सालों में. एंड मैंने, मेरा दिमाग में ये था कि गॉड हाउ विल शी टेक इट, ये कैसा इस स्टॉर्म में या फिर इस तकलीफ में से, शायद बहुत समय लग जाएगा सिस्टर को बात. लेकिन आई हैव सीन हर ग्रो इन फेथ. उसके बाद में भी मैंने उनके जिंदगी में देखा कि वो ना जो मीटिंग्स को चलाते थे उसे कम नहीं किया, प्रार्थना कम नहीं हुआ, वचन का ध्यान कम नहीं हुआ, बट शी हैज कम स्ट्रॉन्गर इन द लॉर्ड. दैट इज ओनली बिकॉज गॉड्स फेवर इज ऑन अस. ये दुनिया में लोगों से नहीं होता है. मैंने कई लोगों को देखा, दुनिया में नहीं होता है, लेकिन जो परमेश्वर में है, वचन कहता है मैंने विजय लिया है, और वही परमेश्वर हमारे साथ है. इसलिए आज शाम को मैं चाहूंगा कि संजय सर उनके लाइफ में, हाउ डिड शी कम आउट ऑफ दैट फेज, या फिर वो जो इतना बड़ा ट्रबल में, हाउ, कैसे आपने उसमें से बाहर आया, परमेश्वर आपको कैसा सहायता किया, वही चीज आज हमसे आप शेयर कीजिए. जैसे अभी आपने कहा कि ये मुसीबत से किस तरह से वो बाहर निकलेगी, मैंने सोचा. और आप उस दिन के संडे को, यानी मंडे को मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ और संडे को मुझे चर्च में भी आना था, और आप मुझे देखकर एकदम शॉक में रह गए. और आपने मुझे कहा भी, मैंने तो सोचा कि आप चर्च में आएगी ही नहीं करके, लेकिन वो मेरी अपनी काबिलियत नहीं थी, परमेश्वर मेरे साथ था. क्योंकि मैं इस संसार के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि शादी के 35 साल तक प्रभु ने उन्हें मेरे साथ में रखा. हर एक मोड़ पे हम दोनों साथ में थे, कभी एक दूसरे का हाथ साथ छोड़ने का भी नहीं सोचा. ये तो मृत्यु के टाइम की बात, इससे पहले भी जो हमारे जीवन में जो तकलीफें आई, मुसीबतें आई, उस समय ऐसा लगा कि कोई नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया था. तभी मुझे ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ठीक समय पर प्रभु ने मुझे अपना हाथ देकर मुझे उठाया, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को एक एक करके ऐसे उठा लिया. अय्यूब की जैसी जिंदगी हमारे लाइफ में हो गई थी. हमने उस टाइम भी नहीं सोचा था कि हम इसमें से उभर पाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा प्रभु ने एक विश्वास हमारे अंदर डाल दिया. ऐसे एक बंदे को हमारे घर पे भेजा और प्रभु के बारे में जानने का मौका हमें दिया. वो विश्वास, उस दिन का वो विश्वास, वही विश्वास को मैंने दृढ़ पकड़ कर रखा था. और वो प्रभु ने मुझे वचनों के द्वारा मुझे उसमें स्थिर रहने के लिए वो बल और शक्ति दिया था. कौन सा साल में था जब आप प्रभु में आए? ये
मुझे अभी बराबर से याद नहीं, 1997 ऐसा कुछ, काफी साल पहले, बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ी रहे थे वो लोग, बहुत छोटे थे तब की बात है। लेकिन उस समय भी बहुत चीज़ों से, जब जब मैंने प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु के वचनों को पढ़ने लगी, और आज वो वचन मुझे आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो वचन उन दिनों में मुझसे बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा अरे ये तो मेरे बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं। फिर जब मैंने अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने लगी, तो मुझे अय्यूब की ज़िंदगी और मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो एक जैसे लगने लगा। और प्रभु ने जिस तरह अय्यूब को जो बल और शक्ति दी, अय्यूब भले उसके दोस्तों ने उसे ठुकराया, बीवी ने ठुकराया, सब ने ठुकराया, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं, वो विश्वास में स्थिर रहा। वही मैंने देखा, और वो विश्वास में जिस तरह अय्यूब स्थिर रहा, तो मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया कि मुझे भी ऐसा बनना ज़रूरी है। और प्रभु ने मुझे वो आशीष किया, वो बल कहाँ से आया, शक्ति कहाँ से मुझे मिली, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं है। आज भी 35 साल हो गए, मैंने तभी परमेश्वर से, उस रात को मैंने एक ही परमेश्वर से एक क्वेश्चन किया, प्रभु ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ हुआ। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ वहाँ मत देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वो वचन मुझे और बल और शक्ति दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि 52 ईयर्स उनको मेरे साथ में, उनका, मैं बाद में यही सोचने लगी कि उनकी शुश्रूषा वहाँ तक थी, ख़त्म किया प्रभु अपने पास उनको बुलाकर लेकर। तो फिर इससे एक साल पहले जब उनको अटैक आया, तभी मुझे पता नहीं था ये अटैक है क्या है, कुछ भी नहीं पता था, और मैं उनको लेकर आ रही थी, इसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था उस टाइम, वो लाइफ जाने वाला था। लेकिन प्रभु से मैंने वो मांग कर छीन कर लिया था उन्हें, और वो एक साल एक्सटेंड करके प्रभु ने मुझे दिया। फिर एक साल उनके साथ में रहने का वो मौका मुझे मिला, वो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि वो ग्रेस पीरियड बोलते हैं ना, वैसा एक ग्रेस पीरियड मेरे लिए था। तो मैं खुश हो गई, हम झगड़ते थे, लड़ते थे, प्यार मोहब्बत सब कुछ हमारे अंदर जो हर एक मियाँ बीवी के साथ वही था, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं उस समय बल दिया प्रभु ने, मेरे बच्चों को भी स्थिर खड़ा किया। खास करके मैं श्रियाश की बात बोलती हूँ आपको, क्योंकि श्रियाश तब तक वो एक स्थिर नहीं था, जॉब को जाता था, घर पे आता था, खाना पीना खाएगा, दूसरा दिन जॉब को, बस उसका यही एक लाइफ था। लेकिन प्रभु ने उस समय, मैंने देखा श्रियाश के लाइफ को, श्रियाश ऐसे स्थिर खड़ा रहा, उसने कभी फैमिली, मतलब फैमिली का जो प्रॉब्लम्स होता है घर का, घर की जो ज़रूरतें होती है उसको कुछ भी नहीं, उसके उन दिनों तक वो 16 तारीख तक उसको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था कि ये घर कैसा चलता है, क्या होता है। लेकिन उनका एक जाना और श्रियाश को इसमें खड़े रहकर एक परिवार को संभाल कर लेकर जाना एक बहुत बड़ा प्रभु का हाथ है। प्लस उनका शॉप में जाके हम बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को उन्होंने और जैस्मिन ने दोनों ने मिलके, जैस्मिन भी उसके साथ में रही, जैस्मिन भी ऐसे कुछ भी अनुभव जैस्मिन को भी नहीं था, जैस्मिन को भी एक अनुभव मिला कि किस तरह से कैसे एक दूसरे को साथ देकर खड़ा करना चाहिए। जैस्मिन ने भी उसको साथ दिया, श्रियाश ने उसको साथ दिया, दोनों एक दूसरे को साथ देकर इतना आज तलक प्रभु ने श्रियाश और जैस्मिन को भी विश्वास में बढ़ाया, किस तरह इसमें से जाना चाहिए ये सिखाया, एक सीख थी उनके लिए भी, एक सीख थी ताकि आगे जाके भी श्रियाश जब उसके परिवार में बढ़े वो डगमगाए ना, उसमें से एक उसको भी सीख मिली। और मुझे तो प्रभु के अलावा मैं और किसी को महिमा नहीं दे सकती, सब एक है प्रभु के बाद है मेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया मेरे लिए सपोर्ट थी, पास्टर का परिवार मेरे लिए सपोर्ट था, इन सब के साथ हम एक, मैं मेरा परिवार एक साथ होकर हम आगे बढ़ पाए। और ये अगर प्रभु का वचन अगर हमारे साथ में नहीं होता, शायद हम उन अन्य जातियों के लोगों के जैसे होते, एक घर पे बंद होकर एक कमरे के अंदर चुपचाप रहकर कुड़कुड़ाकर रोते 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 याद कर करके। लेकिन मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
कि आज अगर प्रभु नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। यीशु मसीह के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये मैं प्रभु से हर समय बोलती हूँ कि प्रभु भले आंधी आए तूफान आए लेकिन मेरे विश्वास को तू कभी डगमगाने न देना। और जिस तरह आपने कहा जब इस संसार में हम आए तो हमें क्लेश होंगे, मैं तो चाहती हूँ क्लेश आए हमारे जीवन में, लेकिन उस क्लेश में से हमें स्थिर रहने के लिए प्रभु वो सामर्थ हमें दे। जब तक वो हमें सामर्थ नहीं देता है हमारे लिए वो असंभव हो सकता है। हम नहीं जान सकते कि किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, कैसे जाएंगे। तो क्लेश तो हमारे जीवन में है, संसार में सभी लोगों को क्लेश है, लेकिन उस क्लेश में से किस तरह से उभरना चाहिए उतना प्रभु उतना ही क्लेश देता है कि ये क्लेश में से तुझे इस तरह से निकालना होगा। ये चीज को आप ध्यान देना जो सुनने का बहुत बढ़िया चीज का, लेकिन प्रभु हमें ऐसे क्लेश में से जाने, he will allow us where he knows that we can handle it. हम लोग उसको हैंडल कर सकेंगे, उससे ऊपर प्रभु नहीं देगा, क्योंकि गॉड नोज, प्रभु हमें हमसे ज्यादा प्रभु हमें जानता है वेरी क्लियरली। और प्रभु हमें यही चाहते कि वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड वी बिलीव इन हिम। इसमें एक एक चीज मैंने आई थिंक मैंने कुछ समय पहले मैंने प्रचार किया था कि प्रार्थना मत करो कि प्रभु क्लेश नहीं आए, नहीं वो रॉन्ग प्रेयर है, क्योंकि क्लेश तो आना ही है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन प्रार्थना करो प्रभु जब क्लेश आए मुझे तो शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि मैं मेरे विश्वास में डगमा नहीं जाओ लेकिन मैं स्थिर रहूं। हालेलुया। सिस्टर के लाइफ में उन्होंने वही कहा कि जब सबसे बड़ा चैलेंज उनके लाइफ में आया, एक वाइफ के लिए उनका हस्बैंड का डेथ या फिर सेपरेशन इज बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट सबसे बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, ये सब हमें जरूरत है। Amen. और प्रभु ने उसमें से उन्हें चलाया। एंड मैं तो कहूँ कि गॉड स्ट्रेंथन्ड सो मच, नाउ शी इज डूइंग सो मेनी न्यू थिंग्स। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना को चलाते थे, अभी तो मुझे पता चले कि उन्होंने अपना कुकिंग का एक नया शो भी शुरू कर दिया है। शी इज अ गुड कुक, वो अच्छे से कुक करती है। तो उन्होंने अभी एक संजना क्या संजनास किचन बोल के आप सोचेंगे ये एक छोटा चीज है, नहीं ये छोटा चीज नहीं है। उसके लिए देखो ये कितना लोग जानते वो नहीं है। फॉर अस टू डू समथिंग, हम कुछ नया करने के लिए वो प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर ने बहन को इतना अभी कॉन्फिडेंस दिया दैट शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम आवर लाइफ। हमारे जिंदगी से जब भी हम तकलीफ और प्रॉब्लम्स में जाए सोचे नहीं कि प्रभु ये मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा। मैं भी कभी कभार सोचता जब मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है, हमारे परिवार में हुआ है, हमारा डैडी का डेथ हुआ, मम्मी का, ये सब जब हुआ तभी उस समय क्या लगता था कि प्रभु आगे क्या होगा, अभी कैसे आगे चलेगा। लेकिन विद इन नो टाइम परमेश्वर हमें इतना आश्वासन देते हैं दैट गॉड जस्ट स्ट्रेंथन्स यू कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं तेरे साथ। जैसे परमेश्वर ने कहा माता पिता भाई बहन सब शायद छोड़ेंगे, एवरीबडी विल लीव यू, लेकिन देयर इज समबडी हु नेवर लीव्स अस, दैट इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सिस्टर हासिया आपके बारे में भी बोलता, आपके डैडी हमेशा हम जब मलयालम चर्च में थे तभी बोलते थे कि मेरा एक ये कि मेरा बेटा भी चर्च चलाए ऐसा करे। शायद उनको भी वो टाइम पे ऐसे लेकर गया, अगर आज आपके डैडी होते तो शायद आप ये चर्च कलीसिया नहीं चर्च शुरुआत करते। तो प्रभु का वो टाइम था, नहीं तो आप उनके साथ ऐसे हिंदी ट्रांसलेट करके ऐसे ही निकल जाते। लेकिन वो प्रभु का इच्छा था कि वो शुश्रूषा उनके लिए उतना टाइम तक वो उनकी चादर आपके ऊपर गिरी और आपने ये कलीसिया शुरू की, नहीं तो आप शायद मैं कभी भी सोचता हूं। फिर एक और हमारा एक विश्वास है कि हम हाँ हमने हमारे साथी को हमारे माँ बाप को खो दिया, लेकिन हमारा विश्वास है हम उन्हें एक बार फिर वहाँ पे मिलेंगे। हालेलुया। वो विश्वास हमारे अंदर है, इसके लिए हम और खुश है। ट्रूली। तो हमें इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। ट्रूली ट्रूली वो एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा होप है कि प्रभु स्पेशली व्हेन हमारा जो लव्ड वंस हमें छोड़कर जाए, हमारा विश्वास वह है कि कुछ समय के बाद हम भी वहीं पर जाना है, कोई भी दुनिया में हम, मैं हर बार बोलता हूँ मैं 120 तक रहूंगा, सब लोग मुझे चिढ़ाते भी है लेकिन मैं वचन के अनुसार मैं कहता हूँ कि मैं 120 तक रहूंगा। सब लोग कलीसिया वाले बोलते पास्टर सबका फ्यूनरल सर्विस करके आप जाएंगे, मैं तो उसमें हमें नहीं बोलूंगा, मैं 120 से पहले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर प्रभु ने बुला लिया तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हम सबों को
एक दिन जाना है, लेकिन इस दुनिया में जब है, लेट्स लिव आवर लाइफ बिलीविंग इन द लॉर्ड, प्रभु में विश्वास करते हुए। जो रोमियो की किताब उसका 8:28 वचन मेरे लिए बहुत ही वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड है वो, रोमन्स 8:28। सिस्टर हिंदी में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की वो उत्पन्न करती है। हाँ, जो परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके जिंदगी में स्टॉर्म्स आए, उनके जिंदगी में क्राइसिस आए, उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, जो भी आए, लेकिन वचन कहता है मैं प्रभु पे भरोसा करता, प्रभु पर मैं विश्वास करूं और उससे प्रेम रखूं, तो ये सब मेरी भलाई के लिए परमेश्वर ले आएंगे। यही विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। संजय सिस्टर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। मैं तो इनको एक टाइम मैं याद करता हूँ कि मैंने इनका विश्वास को देखा था, वो 2009 में, 2009 साल में हमने कलीसिया शुरू नहीं किया था, लेकिन एक छोटा यूथ मीटिंग होता था। यूथ मीटिंग के समय में ऐसे परमेश्वर ने एक मन में आग्रह दिया कि सेवन अप बोल के एक प्रोग्राम का इंतजाम करना, आपको मालूम है सेवन अप, सेवन अप बोल के हमने एक प्रोग्राम, इनके बच्चे सब उसमें इन्वॉल्व थे, इनका बेटिया श्रेया पूजा अर्चना इन लोग सब उसमें इन्वॉल्व थे। और एक एक शाम का मीटिंग था, मीटिंग में मैंने बोला कि हमें ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज का जरूरत है और ये पूरा बजट प्रोग्राम का बजट है 50,000 रुपीज और प्रभु उसके लिए मार्ग खोलेगा, समथिंग लगता है मैंने कहा। और प्रार्थना के बाद सिस्टर वहां पर आई, वहां पर आकर उन्होंने एक मटका लाके मेरे सामने ऐसा तोड़ दिया और उसमें से वी हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई थिंक वो टाइम में सम 6,000 रुपीज 6-7,000 रुपीज उसके अंदर था सिस्टर। ये मैंने आपको बोला कि मेरे वालों उतना उससे ज्यादा पैसा उसके अंदर पूरा कॉइन्स, वो सिस्टर का सेविंग था। वो टाइम में इनके पास ऐसा कोई, दे वर नॉट डूइंग वेरी वेल, दे हैड देयर चैलेंजेस, उनका घर में तकलीफें थी, चैलेंजेस था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो जो छोटा सेविंग्स उन्होंने जाके जो हमारा प्रेयर ग्रुप में लाके उन्होंने रख दिया, बोले कि पास्टर, ये पास्टर नहीं था मैं तभी, लिंचन था, लिंचन ब्रदर, तो बोले कि ये पूरा मैं इस मीटिंग के लिए दे रहा हूँ। आई रियली, मैं उस दिन मैंने जाना कि इनका विश्वास प्रभु में कितना है, लेकिन उसी का जो आगे जाकर मैंने देखा हाउ गॉड ब्लेस्ड परमेश्वर। जब हम प्रभु पे भरोसा रखें, विश्वास करें, व्हेन वी डिपेंड ऑन गॉड, मैं ये कहूंगा इनके इनका लाइफ के द्वारा भी मैं कह सकता हूँ गॉड कैन चेंज इट। परमेश्वर हम जो नहीं सोचते उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर। देखिए सिस्टर, आपका लाइफ का टेस्टिमनी, इनका लाइफ का टेस्टिमनी, मैं इनको बहुत अच्छे से, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स ही नहीं, थोड़ा दूर का हम लोग फैमिली ही है, हम लोग वी आर ऑल रिलेटेड, लेकिन उससे बढ़कर मैंने उनका विश्वास को देखा। सो फॉर मी, मैं एक पासवान होकर, मेरे लिए एक प्राइड है ये सब, जब व्हेन आई हैव पीपल लाइक देम, या फिर कलीसिया में जो लोग विश्वास में है, वो एक पास्टर के लिए बहुत बड़ा एक प्राइड है कि हाँ हमारे कलीसिया में लोग है जो विश्वास में स्थिर है। हालेलुया। इन दिनों में आप लोग भी, हम लोग सब एक बहुत बड़ा आंधी तूफान में ही है, हम लोग सब एक बोट में, हम लोग इतना ही जाना कि हम सब एक ही नाव में, और परमेश्वर हमारा नाव का कैप्टन है, वो है हमारे साथ, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें कभी भी किधर भी छोड़ नहीं देंगे, वो हमारे साथ में अंत तक रहेंगे। हालेलुया। वही विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। जीसस सेड आई हैव कम टू गिव यू पीस। यीशु मसीह जिधर भी जाते थे वो वही कहते थे मैं आपको शांति देने आया हूँ, क्योंकि प्रभु को मालूम था दुनिया में पैसे से ज्यादा शांति की जरूरत है। जितना भी पैसा होगा लेकिन अगर शांति नहीं है तो किधर जाके पंखे में लटक जाएगा। वही लोग होते हैं आज, हम लोग वही देख रहे हैं, पैसा है, बहुत पैसा होगा, लेकिन जब शांति मन से निकल जाए उन लोग कहीं ना कहीं जाके दे वांट टू जस्ट एंड देयर लाइव्स। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम हर एक को शांति दिया है और सांत्वना दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई भी है जो आज डगमगाया हुआ है टेंशन में कि कैसा होगा मेरा लाइफ में, मैं अकेला हूं, मैंने कई लोगों का कॉल सुना है बस मैं अकेला हूं और अभी ये जो लॉकडाउन में मैं किससे मिल नहीं पाता, No problem, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए, प्रभु इस
इस चौथे हफ्ते का जो लॉकडाउन में हम आए हैं प्रभु, लेकिन अभी तक परमेश्वर जो असंभव लगा प्रभु आपने हमें अभी तक चलाया, आपने अद्भुत रीति से हम हरे को चलाया, हमारा कलीसिया के लोग को चलाया, जो चीज हमें लगा कि प्रभु हम आगे कैसा बढ़ेंगे, लेकिन इतने दिन प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से चलाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। खास करके परमेश्वर जो वचन आपने हमें कहा, इस दुनिया में आपको क्लेश है प्रभु, आपका वचन है वो, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उस क्लेश के ऊपर आपने विजय लिया और आप हमसे वो हमें वो विजय देने वाला परमेश्वर हो प्रभु। हालेलुया। हमें शांति देने वाला परमेश्वर आप हो प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं संजना सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके जिंदगी में जो बड़े बड़े क्लेश आए, तकलीफें आई, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर आपने उनके हाथ थाम कर अभी तक इतना ब्यूटिफुली आपने चलाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो उन्होंने गवाही दी प्रभु कि प्रभु आप साथ रहे, उन्हें चलाया और प्रभु आगे भी आप बढ़ाएंगे, हमारा विश्वास है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमें जो देखने वाला कोई भी है, जो डगमगाया हुआ है, जो टेंशन में, जो वरी में कि मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, मैं आगे कैसा बढ़ूंगा, मेरा परिवार कैसा बढ़ेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रभु, जो भी है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर उनके मन को तू शांत रख प्रभु, उनके मन में तू शांति दे प्रभु, तू वचन के द्वारा उनसे बात कर प्रभु, उन्हें तू सामर्थ्य प्रभु खाली लिया और विश्वास में स्थिर रहने के लिए हरे को तू आशीष कर प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम हरे को हम आशीषित करते हैं प्रभु। खाली लिया तेरी नाम की महिमा हो प्रभु। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अभी हमें जो देखने वाले सबों के लिए प्रार्थना करते, सब पर तेरी कृपा रहे ऐसा मानते प्रभु। कोई भी घर में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, कोई भी घर में कोई बीमार नहीं पड़े प्रभु, हर एक को तू सुरक्षित रख ऐसा हम मांगते प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते जल्दी आप हमें एक साथ कलीसिया में वापस लाएंगे, एक साथ हम तेरी स्तुति करेंगे प्रभु। हम जब वापस आए हम हर एक के अंदर एक गवाही होगा प्रभु। हालेलुया। लॉर्ड ईच वन ऑफ अस वी विल हैव अ टेस्टिमनी टू शेयर दैट माय गॉड हैज बीन गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। इस समय में भी, इस स्टॉर्म में भी, इस क्राइसिस में भी मेरा परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, ये गवाही हम हर एक की जिंदगी में होंगे ऐसा हम मांगते और विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। लॉर्ड वी प्रे फॉर आवर सिटी, हमारे मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करते, हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमारे प्रभु इस भूमि मंडल के लिए प्रार्थना करते प्रभु। लॉर्ड वी आर प्रेइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लॉर्ड हजारों लोग आज अस्पतालों में प्रभु इस कोरोना वायरस से, हम मांगते यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे चंगाई को तू भेज प्रभु, उन्हें तू आश्वासन कर प्रभु। जो लोग डरे हुए, तकलीफ में, टेंशन में प्रभु, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरी प्रेम, तेरा प्यार को तू वहां पर भेज प्रभु। ये दुनिया जाने कि मेरा परमेश्वर एक प्यारा परमेश्वर है। माय गॉड्स लव इज अनकंडीशनल लव एंड लॉर्ड आई प्रे लेट योर पावर बी मैनिफेस्टेड इन द डेज टू कम। लॉर्ड हालेलुया। लॉर्ड टिल देन यू विल स्ट्रेंथन अस ऑल फादर। हम हर एक चीज तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना विनती सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू संजना सिस्टर, आपने समय निकाल कर हमारे साथ, आपका जो लाइफ का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है आपने शेयर किया, धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करते जो लोगों ने इसे सुना उनके जिंदगी में भी ये एक आशीष का कारण बने। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीबडी, जिन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया, आप सबों को प्रभु आशीष दे। इफ गॉड विलिंग थर्सडे शाम को, गुरुवार शाम को हम फिर से एक छोटा डिवोशन के साथ आपके पास आएंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।